Hey guys, welcome to my new video. In this video, I'm gonna draw world's biggest drawing of Thagish. Hey! चाहिए होगा हमें पेपर, तो मैंने बहुत सारे शॉप्स में ढूंढा लेकिन मेरे को इतना बड़ा पेपर नहीं मिला कि मैं सबसे बड़ा पेपर बना सकता हूँ। लास्ट मेरे को A1 मिल रहा था एंड A1 सबसे बड़ा नहीं होगा, तो या मैंने पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं A4 शीट को चिपका 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 करके एक बड़ी सी ड्राइंग करूँ। सो या इसके लिए चला गया A4 शीट्स खरीदने के लिए फैंसी स्टोर। तो अगर मैं ऐसे ही रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूँगा एंड चिपकाऊंगा तो सही नहीं बनेगा ड्राइंग। तो वैसे तो मैं काट सकता था लेकिन यहाँ वहाँ हो जाता आधा सेंटीमीटर, तो इसीलिए मैं चला गया शीट्स कटवाने के लिए गया था। मैं घर पे आया एंड मेरे को पता चला कि आधा सेंटीमीटर गलत हो चुका है। बहुत बड़ी गलती थी ये मेरी, आई नो, लेकिन और एक बार कटवाने के लिए भी नहीं जा सकता मैं। उन्होंने कह दिया था कि मैं हम और एक बार पेज नहीं काटेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा पोपड़ हो गया था एंड तो ये जो है एक प्रॉब्लम पूरे इस प्लान पे पानी फेर दिया था, लेकिन तब भी मैं हार नहीं माना एंड मैंने सोच लिया था कि मैं कैसे भी करके ड्रॉ तो ज़रूर करूँगा। तो यार मैं शुरू हो गया ड्रॉ करने। बाय द वे इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल। करके हमारा Day 1 कंप्लीट हुआ एंड मैंने 15 शीट्स बनाए, 15 नहीं उससे ज्यादा ही बनाए होंगे लेकिन कम नहीं बनाए होंगे। तो creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take करके मैंने 4 Day 5 ऐसे करके बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने ड्रॉ किया एंड मेरे पूरा टेबल कभी कभी फुल ब्लैक हो जाता है एंड हाथ मेरे भी पूरे ब्लैक हो जाते हैं एंड जहाँ पर भी मैं हाथ रखता पूरा वो शीट ब्लैक हो जाता। जहाँ पे मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए था वहाँ पर भी फिंगर प्रिंट्स पड़ जाते थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल आई मेरे को लेकिन तब भी मैं इस ड्रॉइंग पर अटा रहा। करके Day 6 Day 7 हर रोज़ मैं ड्रॉ करता गया लेकिन
मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था, वो था कि थगेश भैया, हाँ थगेश भैया अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो पूरी वीडियो की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था कि ज़रूर थगेश भाई देखेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो हमारी ड्राइंग पूरी बन चुकी थी, अभी टाइम था फुल मतलब ऐसे करके बिछाने का। एंड इसी खुशी में मैं मतलब 4-5 दिन निकाला कि मैं कल करूँगा, क्योंकि हमारे स्कूल चालू हो गए थे एंड फुल डे थे। एंड 4 बजे के बाद शाम हो जाती है एंड फिर वीडियो दिखाने में जो मज़ा आया वो नहीं आता था। एंड फाइनली संडे आ गया, साथ साथ बारिश भी आ गई। तो अगले दिन फिर से स्कूल था, तभी मैं हारने माना कि मैंने सोच लिया था कि मैं आज तो एक करके रहूँगा। सो मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया एंड मैं शुरू हो गया ड्राइंग आपको दिखाने के लिए। इसमें सबसे बड़ा डर यही था कि बारिश ना आ जाए एंड पूरा ड्राइंग ख़राब ना हो जाए, पूरा प्लान ना ख़राब हो जाए, ये सबसे बड़ा डर था। लेकिन तब भी मैं करता गया। एंड सेकंड सबसे बड़ा डर था कि ज़्यादा देर ना लग जाए और फिर शाम हो जाए, फिर ड्राइंग दिखाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए ये भी बहुत बड़ा डर था मेरा। सो फाइनली गाइज एंजॉय द रिजल्ट। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए। आई नो ये ड्राइंग थोड़ी आड़ी टेढ़ी बन गई थी, जैसे कि मैंने बताया आधा सेंटीमीटर इधर उधर हो गया था तो पूरी ड्राइंग खराब सी हो गई थी, लेकिन मैंने अपना 100% भेज दिया। एंड थगेश भाई अगर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका, सो प्लीज़ एक छोटा सा कॉमेंट कर देना, इतना कहना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Take care.